जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं ये तो खुली सत्ता को चुनौती है, अगर जेल में बैठकर वहां से सिस्टम का इस्तेमाल कर सबको धमकी दी जा रही है। मैं फिर कहूंगी कि वो धमकी को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वाकई, क्योंकि बाल संत को कोई धमकी देगा उसका कारण अभी समझ नहीं आया कि उसे क्यों धमकी दी जा रही। सुचरिता जी, सबसे पहले चाहे कोई भी, सुकेश चंद्रशेखर बिल्कुल नीचे के स्तर पे भ्रष्टाचार के कारण वो सब उसने किया। उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ और मुख्तार अंसारी, इनको जो भी छूट मिली हो, चाहे पंजाब के रोपड़ जेल में, यहाँ पर शासन प्रशासन की मिली भगत और ऑक्सीजन लाइन सप्लाई की वजह से ये माफिया फलते फूलते रहे और बड़े भारी बरगद के पेड़ हो गए। गमले के केचुए ये बिल्कुल अजगर बन गए क्योंकि शासन प्रशासन की शय थी और उनको ऑक्सीजन मिला। ये बिल्कुल सही है विद्वान पहले जो कहा है कि बिना शासन प्रशासन की मूक या पूरी सहभागिता के कारण माफिया माफिया नहीं हो सकता है और ये सुख सुविधा नहीं हो सकती है। हम लोगों ने भी बहुत जेल के संचालन किया है, यहाँ तक कि वो अगर त्राय त्राय करने लगते थे, लोग बिल्कुल मानसिक अवसाद में चले जाते थे अगर पुलिस प्रशासन अपने पर आ जाए। सुचरिता जी, मैं एक बार सर कुछ दिन पहले हमने लॉरेंस बिश्नोई के वकील से बात की थी, चेतन हम वो वाला जरा लिंक चलाएंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील से बात की, तब मैंने सीधा सीधा यही सवाल पूछा था कि क्या इस तरह की जो बातें आ रही है कि धमकियां दी जा रही हैं राहुल गांधी को भी, असदुद्दीन ओवैसी को भी, सबके पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई है, या फिर अब ये हालत हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर भी बहुत से लोग, जैसा आपने कहा था सर कि बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उसके नाम पर उगाही भी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आरोप कोई कम हो रहे हैं, सुनील जी आप सर हिला रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये क्राइम का खेल ऐसा ही है। मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूँ कि उनके वकील ने कुछ दिन पहले हमसे बात की क्या कहा था, जरा सुनिए। लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही हैं, अब राहुल ओवैसी को भी धमकी मिल गई। यहां पर मुझे बताइए, जो ओवैसी जो लगातार धमकियां दे रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप हीरो बोलेंगे? जी, जैसे अभी मुझे पता चला कल से एक करनी सेना जी के अध्यक्ष, हाँ इन्हीं के अध्यक्ष, आम एक बारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,000। जी मैं आ रही हूँ। क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली मैंने वही बोला, सुपारियां दे रहे हैं, लॉ है ठीक है, अगर इनकी इनको किसी चीज से दुश्मन, इनको इनके व्यूज नहीं मिलते हैं या इनको नाराजगी है तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं, क्यों नहीं कोर्ट इनकी, कोर्ट बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। इन ये कह रहे हैं कि ये बड़े परेशान है अपने एक सुप्रीम लीडर की डेथ को लेके, मैं अभी उसमें भी आता हूँ, उस केस में जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट उनके अगेंस्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, मैटर ऑलरेडी कोर्ट में, तो न्याय टीवी में नहीं मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा। आप सब कोर्ट में जाइए, वहां जज साहब आपकी जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कोर्ट इन दी एंड लॉ से बड़ा कंट्री में कुछ नहीं है। मुझे तो ये बता दीजिए, ये जो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, अब ये कहा तो यही जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है, ये दी जा रही है क्या, इसकी पुष्टि तो करिए पहले। एक फेसबुक पोस्ट डलती है, हाँ, जब भी कोई क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है, या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या अभी ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है मैम। हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, आजकल जो ये जितनी AI टेक्नोलॉजीज आ रही है, लोगों किसी की भी फेक प्रोफाइल क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सुन रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के वकील थोड़े दिन पहले मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत से मामले हैं जिनकी जांच चल रही है और गोगा मेडी के मामले में तो हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, अब ये कुछ दिन में जांच में और सामने आ जाएगा कि इनको धमकी देने वाले कौन है, पप्पू यादव को धमकी देने वाला कौन है और वही बाल संत अभिनव को धमकी देने वाला कौन है। लेकिन इस सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाला खेल भी जारी है, उसके खिलाफ सुपारी भी जारी है, करनी सेना को एक बार फिर से लॉरेंस की धमकी दी है। और दिलीप जी आप ये सुनिएगा क्योंकि इसके बाद आप ही के पास आ रही हूं, करनी सेना चीफ राज शेखावत ने एक बार फिर से ऐलान किया कि 1 करोड़ की धमकी, 1 करोड़ उसे मिलेंगे जो जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को मार गिराएगा। अब ये पहले यही वाली बात कही गई थी पुलिस वालों के लिए, अब वहां पर जो कैदी हैं उनके लिए कहा गया है कि अगर कोई कैदी मार गिराएगा लॉरेंस बिश्नोई को तो उसको भी उतना ही इनाम मिलेगा 1 करोड़ का। अब सोचिए, साबरमती जेल में बंद कैदियों को ये ऑफर दे रहे हैं करनी सेना के अध्यक्ष, जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, अब जेल में लॉरेंस को मारने का ऑफर, इसको लेकर भी एक हड़कंप है।
अब साबरमती जेल बहुत सिक्योर जेल है, लेकिन वहां से लॉरेंस के कॉल करने की भी बातें आ रही है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई उसे मार गिरा सकता है वहां पर या हमला कर सकता है इस तरह की फिरौती की बात करने के बाद, इस तरह की सुपारी के बाद? मैं एक बार दिलीप जी आपके पास आ रही हूँ, करणी सेना से जुड़े हुए हैं दिलीप जी। दिलीप जी जरा बताइए, ये 1 करोड़ की सुपारी का ऐलान कर दिया अब आपके अध्यक्ष ने और कह रहे हैं कि जेल में ही कोई ठोक दे, कोई मार दे लॉरेंस बिश्नोई को। सुचित्रा जी बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए। ये जो धमकी आई है, मतलब जो राज सिंह शेखावत जी ने जो बात कही है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल में, ये आपका मीडिया, और मीडिया में आर भारत में आज से कुछ दिन पहले जो है एक खबर चलाई थी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले कि राज सिंह शेखावत डर गया और ये सब चीजें। और रही बात एक चीज है, वो उन्होंने किस बात पे कही है वो आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रही बात एक चीज ये, मैं आपसे अभी जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि ये बात सच्चाई है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो है लोग अगर धमकी दे रहे हैं उस पर एक जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी धमकी देता है तो हर एक कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लेता है, ठीक है ना। मैं देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं कि कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गैंगस्टर गैंगस्टर है। दूसरी बात, किसी को भी धमकी देना, किसी से फिरौती मांगना, आप भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कुछ समय से ये माहौल चल रहा है उस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को एक सख्त कानून लेकर आना चाहिए ताकि इस तरह की अगर कोई भी बात होती है तो उस पे जांच हो और उसे सजा मिले। पर मुझे एक बात बताइए ना दिलीप जी, आप जेल में कैदियों को उकसा रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई पर हमला कर दें, ये उकसावे वाली कार्रवाई सही है क्या? नहीं, हम कोई नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं उकसा रहे हैं। और देखो, राज सिंह शेखावत ने जो बात कही है उसमें पूरे एक उनकी एक निजी बयान है, और दूसरे बात है कि हम किसी को नहीं उकसा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक चीज बात कह रहे हैं, कोई भी अगर गलत चीज करता है उसको सरकार को उसके सजा देनी चाहिए, हम कोई किसी को नहीं उकसा रहे। नहीं, आप नहीं उकसा रहे हैं आप कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने ये सुपारी की मांग कर दी है, सुपारी रख दी कि भाई पुलिस वाला ही कोई उसे ढेर कर दे। अब सवाल यही है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सुनील जी कुछ बोल रहे हैं। सुनील जी बोलिए। सुचित्रा जी, एक चीज, जैसे लोग अगर इस देश में है तो हमको लश्कर ए तौबा की जरूरत नहीं है, दाऊद की जरूरत नहीं है, यही हिंदूवादी लोग है जो हिंदुओं को कत्ल करते आ रहे हैं। अरे बटोगे तो कटोगे, ये चीज दिमाग में डालिए। आप लॉरेंस भैया को मारने की बात कर रहे हो, सुपारी देने की बात कर रहे हो, वो बेचारा 10 साल से जेल में बैठा हुआ है। 3,000 सिखों को जब मारा गया था, राजीव गांधी ने मरवाया था, तब वो सिखों का नरसिंहार हुआ था, तब आप कहां थे? जब मौलाना मुलायम ने कार सेवकों पर हत्या की थी, गोली बरसाई थी, कोठारी बंधुओं को मारा गया था, राजस्थानियों को मारा गया था, तब तुम्हारी करनी सेना कहां थी? अरे मेरा लॉरेंस भैया अगर होता ना 2008 में तो 26/11 नहीं होता इस देश में, 26/11 भी हुआ। अगर लॉरेंस भैया आज है तो डर है। अरे भाई सुनील जी आप बिल्कुल राजनेता की तरह बात कर रहे हैं, चुनाव में एंट्री मारना चाह रहे हैं आप, उसी तरह से बात कर रहे हैं। सुनिए आराम से, इतना गुस्से की जरूरत